दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर राजधानी में कोरोना वायरस के 1317 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर 2.11% हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 13 मरीजों की मौत हुई है। इन मौतों के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 26,023 हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया है कि कुल एक्टिव 6,304 मामले हो गए हैं। अब दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 6,304 हो गई है। इनमें से 3,134 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 24 घंटे के भीतर 13 मरीजों की मौत हुई है और इसी के साथ वहां मौतों का कुल आंकड़ा 26,023 पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना डेथ रेट 1.41% दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.34% और रिकवरी दर 98.25% दर्ज की गई है। इसके अलावा बुधवार को नए केस आने से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,47,515 हो चुकी है। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 1,908 मरीजों के बाद कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 18,15,188 तक चला गया है। राजधानी में 24 घंटे के दौरान 62,556 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 52,168 आरटीपीसीआर और 10,388 एंटीजन टेस्ट शामिल थे। अब तक यहां कोरोना के कुल 3,54,09,018 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या 23,052 है। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।